हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी है, आप जीएसटी का पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, जीएसटी का पेमेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड आप कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी में सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे आना है, सर्विसेज में, पेमेंट में, एंड देन क्रिएट चलन बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर पेमेंट, एंड देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे बात आ जाती है कि आपका जो भी जीएसटी का पेमेंट है वो रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करनी है। अगर टैक्सेस है देन आपको रिस्पेक्टिव टैक्स है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एसजीएसटी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स का अमाउंट डालना है। वैसे ही आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर कोई भी अमाउंट है देन यहाँ पे आपको पेएबल अमाउंट का आपको फिगर डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मैं क्रिएट कर रही हूँ फॉर 10,000, 10,000 के लिए एक चलन एंड हम पेमेंट करेंगे। तो हम जैसे ही अमाउंट चलन क्रिएट कर लेते हैं देन यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा तीन पेमेंट मोड। फर्स्ट वन है ई पेमेंट, सेकेंड वन है ओवर द काउंटर, एंड थर्ड वन है नेफ्ट और आरटीजीएस। तो हमें क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए ई पेमेंट बटन पे क्लिक करना है एंड देन जनरेट चलन पे क्लिक करना है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे देन यहाँ पे ई पेमेंट के अंदर सब हेड आ जाएगा, प्रीफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। मतलब आपको अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड से जीएसटी का पेमेंट करना है देन आपको ई पेमेंट सिलेक्ट करना है एंड देन क्रेडिट डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक पोर्टल मतलब मीडिएटर सिलेक्ट करना है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है एंड देन मेक पेमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पेमेंट की साइट पे डायरेक्ट हो जाओगे एंड देन वहाँ पे आपको पूरी ही आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड है उसकी पूरी ही डिटेल डालनी रहती है। कार्ड नंबर, कार्ड के एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर पूरा ही एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड बटन करना है एंड देन विथ हाई सिक्योरिटी पासवर्ड के अकॉर्डिंग आपको पूरा ही पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आप जीएसटी का पेमेंट क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही चांसेस है कि कभी कभी क्लाइंट के केस में ऐसा होता है ड्यू टू फंड अवेल नॉन फंड अवेलेबिलिटी के कारण वो अपना 3B फाइल नहीं कर सकते, मतलब पेमेंट आता है इन पेमेंट नहीं हो पाता है, देन अगले महीने में उनको जो भी टैक्स लायबिलिटी थी उस पर इंटरेस्ट का पोर्शन आ जाता है, इंटरेस्ट लगता है, लेट फीस लगती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन आ गया है, एनेबल हो चुका है कि आप जीएसटी का पेमेंट थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।